संदेश खाली हिंसा का आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 जनवरी से शाहजहां शेख फरार चल रहा था। 50 दिन के ज्यादा समय से पुलिस इसको ढूंढ रही थी। फिलहाल देर रात 3 बजे बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 55 दिन बाद गिरफ्तार किया है शाहजहां शेख को। फिलहाल शाहजहां शेख मिनाका इलाके से गिरफ्तार हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। कार्रवाई लगातार जारी है। आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद में पेशी की जाएगी कोर्ट में। बताया जा रहा है कि 12 से 2 बजे का वो समय, इसके बीच में शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट आगे क्या कुछ निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। शिकंजे में फिलहाल शाहजहां शेख आ गया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख टीएमसी के नेता हैं और कई बड़े आरोप, 49 मामले शाहजहां शेख के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें महिलाओं के साथ में उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, ऐसे गंभीर मामले शामिल हैं। जमीन कब्जा करने जैसे मामले भी शामिल हैं। बीजेपी लगातार शाहजहां शेख को लेकर हमलावर रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच टीएमसी के नेता है, क्योंकि शाहजहां शेख टीएमसी के ऊपर संरक्षण देने के आरोप भी शाहजहां शेख को लगे हैं। महिला के उत्पीड़न के मामले में कोर्ट में पेशी आज शाहजहां शेख की होगी। कोर्ट क्या कुछ कहता है देखने वाली बात। सुबह सुबह एक्शन लिया गया। बंगाल में फिलहाल टेंशन बढ़ी हुई है। कई इलाकों में धारा 144 भी देखिए लगाई गई थी। इंटरनेट के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी। कई सारी टीमें, चाहे वो महिला आयोग की टीम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हो, ये सभी लोग पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, वहां पर जांच पड़ताल करते हैं, रिपोर्टें अपनी सौंपते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग उठाई गई थी। महिलाओं के आरोप गंभीर शाहजहां शेख के ऊपर, और आज शाहजहां शेख फिलहाल कोर्ट में पेश होंगे। गिरफ्तारी मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हो चुकी पूरे मामले में। और देखिए, शाहजहां की गिरफ्तारी पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दक्षिण बंगाल एडीजी सुप्रीतम सरकार की कॉन्फ्रेंस और कोर्ट के स्टे से नहीं हो पा रही थी गिरफ्तारी, एडीजी के द्वारा यह कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और संदेश खाली में महिलाओं के साथ में मुलाकात करते हुए उनको देखा गया था। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दक्षिण बंगाल एडीजी सुप्रीतम सरकार की कॉन्फ्रेंस और कोर्ट के स्टे से नहीं हो पा रही थी गिरफ्तारी। रूपा गांगुली हमारे साथ में फोन पर जुड़ी है। रूपा गांगुली, आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर चल रही है टीएमसी के ऊपर। ऐसे में टीएमसी की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं और शाहजहां शेख फिलहाल मुश्किलों के घेरे में पूरी तरीके से घिर गए हैं। ये तो पुलिस के गोद में ही छुपा हुआ था, तो इनका अरेस्ट कौन सी बड़ी बात है। बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। अब बात यह है कि अभी वो हिसाब किताब चल रहा था पुलिस के साथ, तो इसीलिए वेट हो रहा था। और मोदी जी भी राज्य में आ रहे हैं, तो उनके सामने ये दिखाना था कि हम कर दिए हैं। तो बात तो पश्चिम बंगाल में ऐसा ही चलता है, बहुत दिन से ऐसा ही चल रहा है। पुलिस अभी उनको ले जाके कुछ अच्छा सा हॉस्पिटल में स्पेशल केयर देकर रखेंगे और आराम से रहेंगे। वो अपना फोन वोन इस्तेमाल करेंगे, वहीं से टीएमसी चलाएंगे। यही पश्चिम बंगाल का रीत रिवाज हो चुका है। पश्चिम बंगाल का गुंडा राज इसी तरह से चलता जाएगा जब तक ये पश्चिम बंगाल बदल नहीं जाएगा सही तरीके से। लेकिन रूपा गांगुली, पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उनको कहा जा रहा है कि ये संरक्षण दे रही थी। टीएमसी लगातार अपने नेता को संरक्षण दे रही थी। पुलिस को पता था कि शाहजहां शेख कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद 55 दिन का समय लग गया गिरफ्तारी को अंजाम देने में। आप तो ये पुलिस मंत्री को अभी ये स्वीकारना पड़ेगा कि ये वो पुलिस मंत्री होने लायक ही नहीं है। अगर अपने राज्य से, एक जिला से, एक गाँव से एक लड़का को आराम से वो पनाह देके रख रहे हैं उन्हीं का पुलिस, तो बहुत साफ है ये कहना कि वो मंत्री पुलिस मंत्री बने रहने के लिए योग्य नहीं है। वो तो खुद ही पनाह देकर रख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना सा छोटा सा इलाका से छोटा एक आदमी को नहीं पकड़ सकता, वो मतलब पकड़ना नहीं चाह रहा था। रूपा जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 49 मामले दर्ज है, कम नहीं होते 49 मामले। ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और बीजेपी इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ रुख अपना स्पष्ट करने वाली है आगे कार्रवाई को लेकर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर राज्य की बात होती है, उसमें बीजेपी तो सिर्फ आंदोलन कर सकती, आवाज उठा सकती, लोगों तक ये बात पहुंचा सकती है कि पुलिस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री गलत कर रही है, हर एक दिन गलत कर रही है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि राज्य
जिनके नजर में चलना चाहिए, जिस तरह से चलना चाहिए, वो कितनी नाकाम मुख्यमंत्री है, कितनी नाकाम वो पुलिस मंत्री है, इस तरह से ऐसे गुंडों को पना दे रही है, जगह दे रही है, रहने दे रही है, मार दंगा करने दे रहे हैं, औरतों का असम्मान होने दे रही है, औरत मुख्यमंत्री होने के बावजूद। सवाल तो मेरा यही है रूपा जी, महिला आयोग की टीम पहुंचती है पश्चिम बंगाल, महिला आयोग की टीम की जब अध्यक्ष वापस लौटी तो उनके द्वारा बताया गया कि कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, महिलाएं चाह नहीं रही थी कि ये टीम वापस दिल्ली लौट के आए। जब रिपोर्ट सौंपी गई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? मेरा तो यही कहना है कि राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय है जहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग एक बार जिंदा रह सकते। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सिर्फ कमिश्नर नहीं आए थे, वे एक एनजीओ टीम भी आया था, वो लोगों ने भी अलग से रिपोर्ट दर्ज कराए होंगे। तो ये तो मतलब मैं वहां के लोगों से मिल के आए हैं, ऐसे लोगों से मैं कल ही रात को बात कर रही थी। शर्म के मारे सर झुक जाता है कि ऐसा पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति बना के रखे हैं, एक मुख्यमंत्री वो भी महिला है। अच्छा रूपा जी, फिलहाल टीएमसी की नेता ममता बनर्जी तो लगातार यही कह रही हैं कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं और संरक्षण देने के आरोप भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कैसे साबित करेगी टीएमसी और शाहजहां शेख अपने आप को? क्या साबित करना है? क्या पुलिस के नजर में वो तो अच्छे से बैठा था आदमी, अच्छे से तो वही आराम से खा पी रहा था, गुंडागर्दी चल रहा था। अब उसको एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करा दिया गया तो तभी न औरत लोग वहां पे बोलने लगे हैं, और खास करके हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, उनके शाखा को लेकर, पाला को लेकर, वो जो शादी का जो हमारा ये होता है ना, जैसे बाहर के लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, बंगाली लोग शाखा पाला पहनते हैं, वही तो तोड़ा जा रहा था जी, वही तो उनके सम्मान ही तो तोड़ा जा रहा था जी। ठीक है रूपा जी, जानकारी आपने दी बिल्कुल, और इसके ऊपर लगातार नजरें बनी हुई पूरे मामले के ऊपर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। फिलहाल पूरे मामले के ऊपर नजरें भारत 24 की बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि गिरफ्तारी के ऊपर, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दक्षिण बंगाल एडीजी सुप्रतम सरकार की कॉन्फ्रेंस, और कोर्ट के स्टे से नहीं हो पा रही थी गिरफ्तारी, एडीजी के द्वारा कहा गया, और क्या कुछ एडीजी के द्वारा कहा गया आपको सुनवाते हैं। पुलिस इच्छाकृत भावे शेख शाहजहां के गिरफ्तार करছে না, আমি বলতে চাই স্পষ্ট করে, এটা ঠিক নয়, এটা ভুল, এটা অপপ্রচার। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল যেটা স্পষ্ট করে দিয়েছি। দিন দুয়েক আগে যখন মাননীয় উচ্চ আদালতের তরফে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে গ্রেফতারির উপরে কোনো ধরনের বিধিনিষেধ নেই, তারপর আমরা জোর কদমে তল্লাশি শুরু করি, এবং গত রাতে মিনাখা থানার বামনপুকুর অঞ্চল থেকে শেখ শাহজাহানকে আমরা গ্রেফতার করেছি। গ্রেফতার করার পর তাকে বসিরহাট কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আদালতে পেশ করা হবে এবং তাকে পুলিশি হেফাজতে নেয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। तो देखिए एडीजी को आप सुन रहे थे। इस बीच सुकांत मजुमदार बीजेपी नेता, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया पूरे मामले के ऊपर आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। और इस सब के बीच में आज कोर्ट में पेश होंगे संदेश खाली के मुख्य आरोपी। दोपहर 2 बजे कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया जाएगा। बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी होगी। बशीरहाट संदेश खाली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम फिलहाल कर दिए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और फोर्सेस की तैनाती की गई है, क्योंकि शाहजहां शेख की आज गिरफ्तारी के बाद में पेशी है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया, और उसके बाद आपको बता दें आज
शाहजहां शेख की पेशी होगी। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ये देखने वाली बात। मीरा खान के एसडीपीओ ने बताया कि शेख शाहजहां को आज दोपहर 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर कथित यौन शोषण के आरोप शाहजहां शेख के ऊपर, और ऐसे तमाम मामले शाहजहां शेख के ऊपर ऑलरेडी दर्ज है। आज कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया जाएगा। एक्शन में फिलहाल सरकार लगातार नजर आ रही है।